अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। एक नए व्लॉग के साथ मैं फिर आ गई हूँ क्योंकि मेरी है कल की फ्लाइट और आज बहन आई हुई है मेरी। ये मेरा छुटकू, उसका बेटा यूसुफ। यूसुफ ये देखें जी, ये मेरा पहला बेबी है। इसको फीवर है, पीछे 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 बॉडी इसकी गर्म हुई हुई है जी। तो अभी मैं करने लगी थी पैकिंग, कल की बस तैयारी है, बहन आई हुई है मिलने, सब आ रहे मिलने के लिए। अच्छा लग रहा है, दिल थोड़ा उदास भी है, पर क्या करें, जाना तो है अब घर। वहाँ भी बच्चों के भी पापा वेट कर रहे हैं और बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं, तो उसके लिए अब जाना पड़ेगा। तो बस पैकिंग कर रहे थे, अम्मी अभी इधर है, अम्मी भी इंशाल्लाह आ जाएंगे। अम्मी कब तक आ जाएंगे आप? टेन को पक्का? हाँ जी, अम्मी भी इंशाल्लाह मेरे पीछे पीछे आ रही हैं, क्योंकि मुझे तो बच्चों के स्कूल स्कूल की वजह से जाना ही है। और फातिमा आप क्या कह रही हो? चले मैं भी पैकिंग कर लूँ, अभी बहुत सारा काम है, कैसे करना है समझ नहीं आ रही, कहाँ से शुरू करूँ। पैकिंग तो चलेगी। और ये बहन लेके आई थी मेरे लिए और बच्चों के लिए, ये हम सबसे छोटी है लेकिन ये बहुत केयरिंग है, सबका इतना ख्याल करती है। और ये ऐसे चॉकलेट को बच्चे पड़ गए सारे, ये बहुत मज़ेदार वॉफल। फातिमा वेट ज़्यादा नहीं, आगे दांत नहीं है बेटा, देखें ज़रा। और इस वक्त माशाल्लाह से रौनक लगी हुई, और कल यहाँ भी उदासी होगी और मेरा भी दिल अभी से उदास है, पर क्या करें, हम परदेशियों की यही लाइफ है। ये मेरे बुबू ने खाने बिछिल्ला, ये मेरा गुगु, ये देखे ना बच्चे देख के, चॉकलेट तो किसी भी चीज़ में हो बस इनको होता है कि बस दे दो, बहुत पसंद है इन्हें। बस मैं भी अभी पैकिंग शुरू करती हूँ अपनी, फिर जाना तो मुझे कल है लेकिन अभी से स्टार्ट करूँगी। तो फिर बहनों के साथ थोड़ा बैठूँगी, भाई भी आए हुए थे अभी, उनके साथ भी बड़ा मज़ा आ रहा था गपशप करने का। तो फिर इससे जो एक और बहन है वो भी तब तक आ जाएंगी, फिर मैंने कहा पैकिंग थोड़ी बहुत कर लूँ ताकि आराम से फिर बैठ के थोड़ी गपशप करें, रात को बातें करें, फिर सुबह उठ के इंशाल्लाह कल फिर अपने घर जी। तो यहाँ चल रही है हमारी पैकिंग, अभी तक कल से शुरू हुई, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि समझ ही नहीं आ रही थी। अब भाई आए हैं, भाई ने थोड़ा मुझे मेरी हेल्प की है तो मुझे समझ आई कि क्या करना है। और बस मैं भी बच्चों को अभी रेडी करने वाली हूँ, बट डर लग रहा है, ये हो नहीं रहा, ये खुल ना जाए वहाँ जाके, हैं रजी। और गंद ऐसे पड़ा हुआ है कि जब मैं जाऊँगी सारे कहेंगे शुक्र है, क्योंकि पैकिंग का गंद, थोड़ी भी पैकिंग हो तो ऐसे पूरे कचरा हो जाते हैं। पैकिंग तो हो गई थी मेरी रात को कंप्लीट, और सुबह जब मैं उठी तो आया हुआ था प्रॉपर लॉरी नाश्ता। मैं कन्फ्यूज थी कि लस्सी पीऊँ कि चाय पीऊँ, समझ नहीं आ रही थी लस्सी या चाय, और चाय हमेशा की तरह जीत गई, मैंने पी चाय, साथ में किया गरम गरम पूरी, चना, पूरा लॉरी नाश्ता टका के। और नाश्ता करने के बाद फिर पूरा दिन बस ऐसे ही चाय पानी खाने चलते रहे, गप्पे शप्पे चलती रही, करते कराते सारा दिन ऐसे ही बड़ा अच्छा गुजर गया। फिर आ गया जी मेरा वापस जाने का वक्त और मैं उदास थी जी। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी, बस आपको पता है रात की फ़्लाइट है तो बस जितने भी कंफर्टेबल कपड़े हों वो ज़्यादा अच्छा है। तो बस आए हैं, तो ये देखें पूरा लड़ते रहे हैं और अब इनकी दोस्तियाँ हो गई, अब मिल रहे हैं एक दूसरे को गले पहली बार दिल से। और बच्चों का क्योंकि स्कूल है तो ये अभी सोने जा रहे थे, तो मैंने कहा पहले हमसे मिल तो लो, क्योंकि मेरे निकलने में बस 10-15 मिनट और बाकी हैं। ताकि कैसा फील हो रहा है बेटा, तो ज़रा अच्छे से मिल तो लो आपस में, एक दूसरे को खुदा हाफिज़ कह लो क्योंकि सुबह स्कूल है उनका। अच्छा, हाय हाय, ये देखो ज़रा इतने, चलो फिर मेरे से बात करते, जिस दिन वीकेंड होगा ना मेरे से मुझे कॉल किया करनी मामा के फ़ोन से, तो फिर वीडियो कॉल किया करेंगे। तकी को भी छुट्टी होगी, मुझे भी तो जी। ज़ोया खाला से भी मिले, ये मेरी बेबी को फीवर था, सुबह स्कूल नहीं जा रही, वाह फीवर का कुछ तो फायदा है ना। और इब्राहिम मेरा बुबू, मेरा बेटा है, अपना बहुत ख्याल रखना,
और मुझे कॉल करते रहना। नहीं मैं वीकेंड में लाजम, क्योंकि मुझे पता आप लोगों का स्कूल होता है और अभी वैसे भी बहुत लेट हो गया है, तो मैं जा रही हूँ फिर। ठीक है फिर मिलेंगे विंटर्स में इंशाल्लाह। हाँ बर्थडे पे हाँ ना, ठीक है चलो चलो जी। बच्चों को पहले मिलने, बाकी घर वालों को बाद में मिलूंगी, क्योंकि इन्होंने अभी सोना है, सुबह इनका स्कूल है, तो फिर उठना बहुत मुश्किल होता है। तक चलो बेटा अब निकलो, और दिल तक क्या दिल नहीं कर रहा छोड़ के जाने को। अब पहले पूरा 2 महीने ये रोता रहे। ओह चलो भाई, हाँ ना चलो गुड नाइट, सो जाओ, अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। चले मैंने कहा अम्मी से भी मिले, अम्मी फिर मुझे इंशाल्लाह जल्दी आएंगे। अभी मुझे एयरपोर्ट हमेशा छोड़ के आती हैं, लेकिन इस बार अम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, कुछ दिनों से काफ़ी ख़राब तबीयत चल रही है, और इंशाल्लाह अम्मी मुझे अम्मी 10 तक आ जाएंगी ना इंशाल्लाह। हाँ जी तो अपना बहुत ख्याल रखना फिर इंशाल्लाह। हाँ नहीं कहती मुझे, चलो ठीक है ना, ठीक है चलो ओके सलमा जी। बाय बाय इब्राहिम, अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। ओके चलो फातिमा, ओके चले। अब्दुल्ला भाई आ जाओ, कुत्ते तो नहीं? नहीं नहीं कुत्ते नहीं है, वो बंदा वे। चलो सामान रख लिया था, नहीं सलाम नहीं लेना, आ जाओ बस जी। तो हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ, बस थोड़ा एक ऐसा टाइम होता है कि बंदा, मैं आती भी जल्दी नहीं हूँ और ज़्यादा रुकती हूँ, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, तो बस अभी ये है कि बस थोड़ा जाते वक्त ज़ाहरी बात है बहन भाई हैं, फिर कब मिलना हो, बस परदेश में रहने का यही होता है, बस थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी मैं भी, और अम्मी भी नहीं है उधर, अम्मी इंशाल्लाह कुछ दिनों में आ तो जाएंगे, लेकिन फिर भी एक होता है कि जाऊंगी तो हम बिल्कुल अकेले रहना है। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, ज़िंदगी के साथ साथ है सब चीज़ें, सब चीज़ें मैं तो ऑल फॉल हो गई हूँ, तो बस हम निकल पड़े इंशाल्लाह, कुछ देर में हम एयरपोर्ट पे होंगे, तो साथ ही हैं हम। हाँ जी तो ये हम आ गए एयरपोर्ट पे, और किधर है डिपार्चर, हाँ आगे ये वाला चले। हाँ जी तो हम पहुँच गए एयरपोर्ट पर, फातिमा सो गई है, मुझे अब समझ नहीं आ रही कि मैं इसको उठा के कैसे लेके जाऊँगी, बच्चों के साथ ट्रैवल करना बहुत ही मुश्किल है, रश 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 चेक करें। अल्लाह सारी जा रही हैं आज मुल्क से बाहर, या मुझे लग रहा था मैं ही जा रही हूँ। चलो तकी अब्दुल्ला भाई ट्रॉली ले आए, देखें उफ कचा कच भरा हुआ है, निकाल ले सामान अब्दुल्ला भाई। फातिमा उठ जाओ बेटा, फातिमा ये हम जा रहे हैं जी अंदर, तो फिर आगे जाए, आ जाओ तकी तकी आ जाओ बेटा, बहुत रश है जी। तो अभी हम इधर बैठ गए हैं, हमारी बोर्डिंग हो गई है, अभी टाइम हो रहा है 12 बजने वाले है ना, और 12 बजने वाले, और इसके बाद फिर हमारी फ्लाइट कब है? 1 o'clock नहीं है, नहीं लिखा था, लेकिन हमारी है 1:25 पे, ठीक है। क्योंकि तकी और फातिमा को लगी हुई थी भूख, तो हम चले गए खाना खाने के लिए, इससे अच्छा हुआ टाइम भी अच्छा पास हो गया हमारा। तो फातिमा ने हमेशा की तरह नगेट्स, और तकी को क्योंकि बर्गर पसंद है तो उसने अपने लिए बर्गर ऑर्डर किया। जब मैं नीचे गई तब तक गेट भी ओपन हो चुका था, तो मैंने कहा ये तो और अच्छा हो गया कि मैंने बच्चों ने खाना भी खा लिया, और उसके बाद बस हमने अपनी बोर्डिंग करवाई और जहाज़ की तरफ रवाना हो गए। और ये था कि मैं थक भी बहुत गई थी, तो मैंने कहा कि अब एक ही बार जाके जहाज़ में सुकून से सोऊंगी 3 घंटे के लिए। जब मैं जहाज़ में पहुंची तो अनाउंसमेंट शुरू हो गई कि अपने फ़ोन बंद कर दें, तो चलें
शारजा एयरपोर्ट तक के लिए आपसे इजाज़त लेती हूँ, फिर वहाँ से कंटिन्यू करेंगे बातचीत, तब तक के लिए। वेलकम टू शारजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। द आउटसाइड टेम्परेचर इज 31 डिग्री सेल्सियस एंड लोकल टाइम इज 20 मिनट्स पास्ट 3 AM। नॉट ओपन द हेडरेस्ट, तो जितना रात के बजे हो लेकिन अंदर जो अंधेरा है पता नहीं सकती, पूरे रास्ते हम ऐसे सफर करते हुए। और खाने के टाइम पर लाइट्स ऑन हुई थी। व्हीलचेयर फैसिलिटी जी, तो हम लैंड कर चुके हैं इस वक्त शारजा एयरपोर्ट पे, और वॉशरूम में आए थे क्योंकि अभी हमारा सामान नहीं आया, तो बाहर जाके देखते शायद सामान भी आ गया हो। बाहर तकी के बाबा वेट कर रहे, तो बस अभी बाहर जा रही, बस सामान लूँगी। अच्छा सफर अल्हम्दुलिल्लाह। पी आई थे तो काफ़ी डरे हुए थे, लेकिन हमने लैंड कर लिया शारजा एयरपोर्ट पर, तो बस हम जा रहे हैं अपना फर्मा जी। और ये इस वक्त शारजा एयरपोर्ट के हालात हैं कि लोग अपना बैग ढूंढ रहे हैं अपने सामान के लिए किस कदर। और इब्राहिम घर में हमने फातिमा का हैंड पकड़ो, तभी बहन का हैंड तो उसका फातिमा ये देखिए कहा पी आई का वेट 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 कम फातिमा क्या हाँ हाथ पकड़ लिया मैंने, हमारा किस वीक पे आया थोड़ा पता नहीं, अब देखना पड़ेगा। पहले ट्रॉली तो लेके आओ, ट्रॉली किधर है? वहाँ उन्हीं में हमारा कहीं है। हाँ आप पकड़ो तभी ट्रॉली, ट्रॉली आप पकड़ो। कहाँ आया है हमारा, अगर बैग मिल जाए बस अल्लाह करे। ये है हमारा एक, ये मिल गया, ये भी मिल गया, एक बैग हमारा नहीं आया बस। और ये भी स्टॉक के अंदर ये वाला बैग भी आ गया। ओके मम्मा, तो अभी ख़त्म हो गए वन ओके आई थिंक वो वाला है, वो मिल गया। हाँ लग रहा है, देखती हूँ जाके। हाँ यही है, यही है, मिल गया मिल गया, शुक्र है। अली तो कहीं नज़र नहीं आ, क्योंकि बाबा तो कहीं नज़र नहीं आ रहे, वो तो बोल रहे मैं बाहर ही हूँ। नज़र तो आओ कहीं, पता नहीं कहाँ रह गया बाबा, नज़र ही नहीं आ रही थी। से कॉल करूं, सारी देख रही हूँ कहीं भी नहीं है। हाँ कहाँ, मुझे नहीं नजर आ रहे थे फातिमा। हाँ जी तकी, तो पहुँच गए हम घर। फातिमा गए जी, लाइट ऑन करो। आ गए गाड़ी में, अल्हम्दुलिल्लाह सफर भी अच्छा रहा। थोड़ा सा डर तो बहुत लग रहा था मुझे, फिर उसके बाद आपने देखा क्या हो गया कि बाबा इसके नहीं मिल रहे थे, वो हमारा अंदर वेट कर रहे। मैंने अपनी सिम भी नहीं डाली हुई थी यहाँ वाली, तो वो थोड़ी मुश्किल होगी। फिर मैंने किसी से रिक्वेस्ट की कि मुझे कॉल करनी है, तो उन्होंने मुझे कॉल करने के लिए फ़ोन दिया, तो अल्लाह का शुक्र है मिल गए। तो अब हम घर जा रहे हैं। शान जी प्लीज़ चलें, अभी हम घर जा रहे हैं, नींद भी बहुत है, टाइम ज़्यादा हो गया है। तो अभी फातिमा तक की बाय बाय कर दे, और तकी के बाबा की तरफ से भी बाय बाय, क्योंकि वो कहते मैं अंदर नहीं आऊँ। तो अल्लाह हाफिज़ अभी नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए, बाय बाय।